सभी लोगों को आलोक जी धन्यवाद आपका आज हमें मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के आप लिए। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का सवाल देख रहा हूँ और उसके जवाब उपयुक्त जवाब आपको दिया जाएगा। सबसे पहले जो सवाल है कि ट्रांसफ़र क्या है ईपीएफ में और ये क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, आज के परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो जो वर्कर हैं जो इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं वो एक जगह स्थिर होकर के काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको कई जगह काम करना पड़ता है जिसका नतीजा ये है कि उनके कई पीएफ अकाउंट बन जाते हैं मल्टीपल पीएफ अकाउंट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें सरल भाषा में कहें कि जब भी एम्प्लॉय चेंज होता है तो उसका एक पीएफ अकाउंट बनता है, जब भी एम्प्लॉयर चेंज होता है उनका एक पीएफ अकाउंट बन जाता है। एक जगह उसको हम से मेंबर आईडी कहते हैं। मेंबर आईडी बोलते हैं इसको, एक हम मेंबर आईडी बोलते हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट में अगर है एक जगह नौकरी कर रहे हैं तो उसका एक मेंबर आईडी होता है, उसमें उनके सारे पीएफ के प्रोसीट्स कॉन्ट्रीब्यूशन जाते हैं। कंट्रीब्यूशन जमा हो जाते हैं और बिल्कुल उसमें उनका सर्विस का डिटेल्स होता है कि इतने साल इतने महीने उन्होंने यहाँ नौकरी किया है। जी, दूसरे जगह जाने के बाद वहाँ दूसरा पीएफ का आईडी बन जाता है, उसमें उनका मेंबरशिप दूसरा हो जाता है। लेकिन इसके साथ मुझे ये कहना जरूरी है कि आज हमारे पीएफ में सभी जितने भी वर्कर हैं जितने भी मेंबर हैं हमारे सब्सक्राइबर सभी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया है जो यूनिक है और उनके जीवन भर के लिए है। तो ये एक अम्ब्रेला अकाउंट नंबर है जिसमें उनके सभी पीएफ अकाउंट का पीएफ जो मेंबर आईडी है उनका डिटेल होता है। लेकिन वो सारे सर्विस एक जगह जमा नहीं हो पाते हैं, सिर्फ उनका डिटेल प्रोवाइडेड कि उन्होंने उसको लिंक कर रखा है या बता रखा है कि उसमें हमारे ये अकाउंट हैं। तो क्या हम इस जो आपका यूएन है, जी क्या हम इसकी तुलना बैंक के सीआईएफ से कर सकते हैं, जहां पे अगर हमने एक बैंक में बहुत सारे अकाउंट खोले हुए हैं तो वो सारे एक केवाईसी होने की वजह से एक सीआईएफ बना हुआ है, उसके नीचे सारे अकाउंट्स हैं, कुछ ऐसा बिल्कुल है बिल क्या? हाँ हाँ कुछ 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 वैसा ही है। लेकिन पीएफ का ये है कि पीएफ में ये यूनिक है, इसमें 12 डिजिट के होते हैं और एक मेंबर के लिए एक ही है। अब जी, पीएफ तो एक ही है, बैंक तो कई हो सकते हैं अलग अलग लेकिन बैंक में अलग 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 हो अलग बैंक सकता में है, हो बिल्कुल सकते हैं ठीक लेकिन बात है। प्रोविडेंट फंड एक ही है। तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे इंडिया के लिए एक ही उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। और ये ट्रांसफर इसलिए जरूरी है कि पीएफ में कई बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि उनका प्रोविडेंट फंड जो होता है पीएफ निधि जो होती है उनके लाइफ लॉन्ग सेविंग माना जाता है इसको। दूसरा है कि पीएफ से जुड़ा हुआ एक दो और बेनिफिट है। एक बेनिफिट है पेंशन का और उसकी पात्रता उसकी एलिजिबिलिटी 10 साल की है। 10 साल की नौकरी होने के बाद कोई भी सदस्य पेंशन का मेंबर बन जाता है, पेंशन के लिए पात्र हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। और उससे ठीक उसके बाद बात, उसके नौकरी छोड़ने या रिजाइन करने या रिटायर करने के बाद और 50 वर्ष की उम्र होने के बाद उसको पेंशन मिलती है। और दूसरा बात है तो अगर कि वो पेंशन रिटायर होने से पहले, मान लीजिए वो एक अकाउंट था उसका, उन्होंने वो निकाल लिया पैसा, दूसरे मैं अकाउंट उसी का नहीं सवाल पे निकाला, जा तो रहा हूँ। शायद वो कम हो जाएगी हाँ, इसके तो बाद। ट्रांसफर से ये फायदा है कि दो चीजें ट्रांसफर होता है। एक है कि उनका जो पीएफ का पैसा है वो हर एक अकाउंट से जाकर के एक अकाउंट में जमा हो जाता है तो उसका ज्यादा पैसा हो जाता है। और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि ये कंपाउंडिंग का भी एक फायदा होता है उनको। जो भी इंटरेस्ट है एक जगह पैसा है हर एक साल उसमें इंटरेस्ट मिलता है और फिर अगला साल उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो एक जगह पैसा होने से उनको फायदा होता है। दूसरा है कि अगर वो कोई एडवांस चाहते हैं प्रीमेच्योर एडवांस किसी काम के लिए घर बनाने के लिए या बीमारी के लिए लेना है तो उसमें उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि ज़्यादातर हमारे एडवांस जो हैं वो पीएफ जो उनके अकाउंट में जो पैसा जमा है उसके हिसाब से उनको मिलता है। तो ये जरूरी है कि उनका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, पीएफ एडवांस जो मिलता है जी वो सनत जी जो अमाउंट जमा है उस पे तो निर्भर करता ही है, बल्कि उस आपकी मेंबरशिप पे भी डिपेंड करता मैं है। वही तो उसी कह रहा था। अगर हाँ कोई एक अकाउंट में 1 साल की है, दूसरे अकाउंट 2 साल की बिल्कुल है, उसी तीसरे पे मैं अकाउंट में आ रहा तीन था, साल की है, उसी पे मैं आ तो रहा तीनों था। मिला के 6 साल बन छह जाएगा। साल बन जाएगा तो अगर किसी आदमी सदस्य का एक अकाउंट में 2 साल सर्विस है दूसरे में 2 साल है और मान लेते हैं उसने ट्रांसफर नहीं किया और जिस अकाउंट से उसको लेटेस्ट अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है तो उसकी सर्विस 2 साल ही काउंट होगी। जी अगर वो मान लेता है कि वो 4 साल की सर्विस है तो ऐसा हमारे रिकॉर्ड में शो नहीं होता है, अपियर नहीं होता है, जिसके चलते 2 साल के हिसाब से ही और उसी 2 साल का कंट्रीब्यूशन जो जमा है उसी के हिसाब से उसका पीएफ कैलकुलेट एडवांस कैलकुलेट होगा, उसी के हिसाब से उसका विड्रॉल होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि उनको पेंशन की पात्रता होती है अगर उनकी सर्विस 10 साल की हो जाती है। अब मान लेते हैं कि एक सदस्य है उसने एक कंपनी में 2 साल काम किया और उस जी छोड़ने के बाद उसने पैसा विड्रॉ कर लिया
तो और पेंशन का भी विड्रॉल ले लिया तो उसकी सदस्यता वहाँ खत्म हो गई। दूसरे कंपनी में 5 साल काम किया, इसी तरह से तीसरे कंपनी में 5 साल किया। अगर अगर हम माने तो उसकी सर्विस टोटल 12 साल है, लेकिन हर एक कंपनी को छोड़ने के बाद अगर वो पैसा विड्रॉ कर लेता है और पेंशन का भी विड्रॉल ले लेता है तो उसकी पात्रता, उसकी सदस्यता 0 साल है और वो पेंशन का मेंबर नहीं है। और जब मेंबर नहीं है तो अगर इसी तरह से करते करते वो 50 साल या 58 साल का हो जाता है तो और पेंशन की बात करता है तो उसे पेंशन नहीं मिल पाता। उसे लगेगा कि उसने पीएफ का पैसा लेकर के उसका यूज तो कर लिया, लेकिन उस वक्त पेंशन की याद आएगी। तो इस ये जरूरी है कि पेंशन की पात्रता बनी रहे और पैसा एक जगह कंसोलिडेटेड रहे। इसके लिए जरूरी है कि निकालने की बजाय पैसा एक जगह जमा कर लें, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब से इनकम टैक्स के नियम में संशोधन हुआ है तब से एक प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य की सदस्यता 5 साल से कम है और वो पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ करता है उसमें इनकम टैक्स के प्रावधान लग जाते हैं, उसमें टीडीएस लगता है, उसका टैक्स डिडक्ट होता है। लेकिन अगर 5 साल के बाद वो विड्रॉ करता है तो उसमें नहीं लगता है। तो कम से कम मिनिमम सदस्यता का टैक्स इम्प्लीकेशन ना हो इसके लिए भी जरूरी है कि वो अपना एक जगह अकाउंट कंसोलिडेट कर ले, एक जगह कर ले। दो फायदे सबसे महत्वपूर्ण है, पेंशन की इलिजिबिलिटी बनी रहेगी, उसकी पात्रता बनी रहेगी, इनकम टैक्स से प्रोविजन होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी उनको अपना एडवांस विड्रॉ करना है उसमें पात्रता उनकी बेहतर रहेगी। बनिस्पत की अगर 2 साल 1 साल की सर्विस है तो उसकी पात्रता कम होगी। हो सकता है कि वो किसी भी तरह के एडवांस के लिए उसके लिए पात्र ही नहीं हो, जैसे घर बनाने के लिए एक 5 साल की सदस्यता चाहिए और उनका सर्विस 2 साल है, लेकिन 3 जगह अगर सर्विस 3 सर्विस मिलाते हैं तो उनकी सदस्यता 8 साल हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। तो ऐसे में अगर तीनों अकाउंट एक जगह है तो वो पात्र हैं, अगर अलग अलग है तीनों अकाउंट तो वो पात्र नहीं है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया इनकम टैक्स के बारे में, तो जैसा प्रोविजन है संभवतः 5 साल से कम सदस्यता होने पर इनकम टैक्स कट जाता है, उसके बारे में भी अगर कुछ बताना चाहें आप हमारे दर्शकों को। इसको प्रीमैच्योर विड्रॉल बोलते हैं। 5 साल से कम अगर जिसकी नौकरी है वो पैसा अगर विड्रॉ करना चाहता है, एडवांस नहीं, पूरा अकाउंट बंद करने की बात होती है, जो अकाउंट क्लोजर बात बोलते हैं हम टेक्निकल टर्म में, फॉर्म 19 बोलते हैं, पीएफ अकाउंट नंबर बंद, वैसे केस में उनका उनका टैक्स इम्प्लीकेशन 30% से ज़्यादा हो जाता है, और कम पैसा हो तो भी, तो ऐसे केस में उनको नहीं करना चाहिए।